अंधी सास की पांच चुड़ैल बहुएं। गांव के एक घर के रसोई घर में पांच चुड़ैल कामकाज में एक दूजे का हाथ बटा रही थी। कोई चौका बर्तन करने में जुटी थी, तो कोई तरकारी काट रही थी, तो कोई खाना पका रही थी। वहीं दो चुड़ैल बिखरे हुए घर के सामान को बटोर रही थी। खटर पटर की आवाज सुनकर 60 साल की अंधी कोमती रसोई घर की ओर बढ़ने लगती है। शायद सासू माँ रसोई घर में आ रही हैं। हम चुड़ैलों को छिपना होगा, वरना वो भाग जाएंगी। पांचों चुड़ैल रसोई घर के छत से चिपक जाती हैं। तभी अंधी गोमती रसोई घर में आकर टटोलते हुए कहती है, अरे ये चूल्हा एकदम चमका हुआ कैसे है? जहाँ तक मुझे याद है, हड़बड़ाहट में सब कुछ रात को ही बिखरा हुआ था। जरूर गांव का कोई जन कामकाज कर गया है। अभी गोमती ऐसा बोल ही रही थी कि एकाएक कमला भीतर आती है। अरे कैसी हो गोमती बहन, तुम्हारे घर के आगे से गुजर रही थी तो सोचा हाल चाल पूछती चलूं। ठीक ठाक हूँ, जरा बता तो मुझे कि आखिर गांव गढ़ का कौन जन मेरे घर का बर्तन चौका कर रहा है? ये सुनकर कमला ठहाके मार कर कहती है, तफरी बाजी तो कोई तुमसे सीखे। अरे जिसके घर में पहले ही पांच पांच बहुए हैं, उसका घर चकमक की तरह तो रहेगा ना। ऐसा कहते हुए कमला की नजर रसोई घर के छत पर पड़ती है और वो चीखती हुई कहती है, क्या हुआ कमला, तू चीख क्यों रही है? कुछ नहीं गोमती, मैं चलती हूँ। जय राम जी की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए कमला दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि पांचों चुड़ैल बहुओं ने उसे घेर लिया। उसका भी गर्दन कट जावे जो हम चुड़ैल का भेद बतावे। अरे रे रे, ये पांचों चुड़ैल तो मेरे सामने खड़ी हो गई, अब क्या करूं? राम 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 राम, मरा 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 मरा। ये चुड़ैल तो राम राग गाने लगी। अरे भूतनियों, कुछ तो भूतानियत रखो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है जाओ, अगर गलती से भी तुमने जुबान खोली तो नाम गुम जाएगा। कमला जान बचाकर वहां से निकल जाती है। देखते ही देखते सवेरे का सूरज सांझ की बेला बीतने के साथ डूब जाता है। और उस रात जब चुड़ैलों की सास आंखें मूंद बिछौने पर सो रही थी, तभी पांचों चुड़ैल उसके कमरे में आती हैं। देखो बहनों, सासू माँ सो गई हैं। चलो उनके पाँव दबा देते हैं। हाँ, चलो। पांचों चुड़ैल अपनी अंधी सास के हाथ पाँव दबाने लगती है। तभी गोमती नींद से जाग कर कहती है, मैं जानती हूँ कि इतने दिन से मैं जो साया महसूस कर रही थी वो मुझ अंधी का वहम नहीं था, तुम पांचों मेरी बहू हो ना। एकाएक घर के सभी खिड़की दरवाजे जोर शोर से खड़कने लगते हैं। तेज आंधी तूफान घर के माहौल को भयानक आकृति का आयाम देने लगती है, जिसे भाप कर गोमती का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है और पांचों चुड़ैल बहुएं बोलती है, हाँ माँ जी, हम पांचों चुड़ैल बहुएं ही इतने दिन से सब संभाल रही थी। आपके आंखों की रोशनी छिन जाने के कारण हम पांचों अपनी जिम्मेदारी से मुक्त ना हो सकी, इसीलिए नीति ने हम पांचों को इस दुनिया से मुक्त होने पर पाबंदी लगाई, ताकि हम चुड़ैल बहुएं अपनी अंधी सास की लाठी बनकर रहें। ये सुनकर गोमती का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और वो कहती है, मैंने तुम पांचों पर दुखों का पहाड़ तोड़ा, बावजूद इसके तुम चुड़ैल होकर स्वार्थी ना बनकर अपनी सास की सारथी बनी हो। ऐसा बोलते हुए गोमती बीते दिनों में खो जाती है, जब वो पांच बहू की सास बनी थी। अरे मेरी पांचों बहुओं, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव लगाकर भीतर पधारो। जी सासू माँ। अभी गोमती उनका स्वागत ही कर रही थी कि कमला बीच में कहती है, अरे गोमती, इतना भी स्वागत सत्कार न कर अपनी बहुओं का। अरे बहू बेटी उड़ते परिंदे की तरह होती है, तनिक ढील मिलते ही पिंजरा तोड़कर आसमान की उड़ान भरने लगेगी। कमला की बातें गोमती के मन में कहीं न कहीं जगह बना लेती है। गोमती जैसे तैसे बात को टाल देती है।
अगली सुबह। अरे सूरज की किरण फूट पड़ी है और ये पांचों की पांचों महारानी मजे से पलंग तोड़ रही है। सही कहा था कमला ने, इनकी लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर गोमती जोरों शोरों से चिल्लाने लगती है। परिणीति, रूपल, शिल्पा, छबी, रमिला, अरे कहाँ मर गई पांचों? गोमती की गुस्सेल आवाज सुनकर सभी बहुएं झटपट से नींद से जागकर उसके सामने हाजिर होती हैं। जी सासू माँ, आपने पुकारा। मुझे तो लगा था पांचों निपट गई। अरे आज तुम पांचों का ससुराल में पहला दिन है और आज ही इतनी देर से उठ रही हो। माँ जी अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। अरे नई नवेली बहू सवेरे के 4 बजे उठती है। अब बिना वक्त गवाए जल्दी से पांचों अपने काम पर जुट जाओ। गोमती की कड़वी बातें सुनकर बेचारी बहुएं फेटा बांधकर कामकाज में भिड़ जाती है। हर दिन के साथ सास का सताव बहुओं पर बढ़ चढ़कर होने लगा था। अरे मेरी काम चोर बहू, कहाँ मर रही हो पांचों की पांचों? जी कहिए माँ जी। जब देखो फुहरपना किए रहती हो। अरे मैं तो कहती हूँ तुम पांचों से बड़ी बेढंगी बहू मैंने आज तक कभी नहीं देखी। माँ जी हम पांचों ने अपने हिस्से का सारा काम कब का खत्म कर दिया है। वो तो देख रही हूँ, फर्श पर बैठी गंदगी चीख चीख कर तुम्हारे काम चोरी को बयान कर रही है। माँ जी हम चाहे जितना अच्छा कर ले, आप हम बहुओं के किए में खामी निकालना कभी नहीं भूलती। सच सुनकर गोमती गुस्से से बिलबिलाती हुई परिणीति के बाल पकड़कर कहती है, बदजात कलमुही, अपनी सास से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही? माँ जी हम चारों परिणीति की गलती के लिए माफी मांगते हैं, उसे छोड़ दीजिए। ये देखकर गोमती चारों बहुओं को दूर धकेलते हुए कहती है, बहुत याराना लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू के बीच इतना भाईचारा है। आज पांचों को तबीयत से सूतूंगी। गोमती पांचों बहू को दरिंदों की तरह मारती है। सास की आक्रामक जातियों से तंग आकर आखिरकार पांच बहुएं पटरी पर आकर कहती हैं, अगर ससुराल शासन का गढ़ है तो हम बहू आज उससे मुक्त हो रही हैं। शायद हमारी मौत के बाद सासू माँ को हमारी कदर होगी। इस तरह पांचों बहुएं पटरियों के बीचों बीच आकर अपनी जान दे देती हैं। दूसरी तरफ गोमती मन ही मन बहुत खुश होकर कहती है, अच्छा इन बेढंगी बहुओं से बला टली, जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनका दूजा ब्याह रचा दूंगी। गोमती की जिंदगी मजे में कट रही थी, मगर एक रोज बाजार जाते वक्त वो एक गाड़ी से दुर्घटना में बहुत घायल हो जाती है। जैसे तैसे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी दोनों आंखें चली जाती है। मैंने जो मेरी बहू के संग किया है उसी बुरे कर्मों की कटनी है जो आज मैं अंधी हो गई हूँ। काश कि मुझ बुढ़िया के बस में होता, मैं पहले का वक्त लौटा ले आती। माँ जी गुजरा हुआ वक्त नहीं लौट सकता, मगर शायद हम आपकी आंखें लौटा दे। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने आंखों की पुतलियों की रोशनी गोमती की आंखों में भर देती है, जिस कारण गोमती पहले की तरह देखने लगती है, मगर चुड़ैल बहुओं की आंखों की रोशनी बुझ जाती है। मेरी बहुओं, तुमने अपनी आंखों की रोशनी मुझे क्यों दी? ताकि माँ जी आप अपनी बहू के नजरिए से दुनिया देखे, इसी के जरिए शायद हम चुड़ैल बहू अपने सास के दिल में जिंदा रहे। अब हमें जाना होगा। इसी के साथ पांचों चुड़ैल बहुएं वहां से गायब हो जाती हैं। आज भी गोमती की निगाह अपने चुड़ैल बहुओं की बाट जोह रही है कि शायद वो एक बार फिर दिख जाए। एक लड़की शादी के साथ आंखों के सैकड़ों सपने संजोए ससुराल आती है, मगर जब वही ससुराल बहुओं के लिए बंधक बन जाए तो वो खुद के जीवन को मौत को सौंप देती है। एक गांव में निर्मला अपनी बहू दीक्षा, विकलांग बेटे रवि और 10 वर्षीय पोते टोनी के साथ रहती थी। बेटा और पोता काम करने की हालत में नहीं थे, इसलिए सास बहू ही रसगुल्ले बनाकर छोटी सी मिठाई की दुकान पर उन्हें बेचकर घर का खर्चा चलाया करती थी और सुबह अपनी दुकान खोलकर बेचने लगती है। आइए आइए रसगुल्ले खा लीजिए, नरम नरम मुँह में एकदम से घुल जाने वाले रसगुल्ले। आइए आइए रसगुल्ले बिल्कुल ताजे और सस्ते हैं।
अम्मा जी जरा मुझे 1 किलो रसगुल्ले कर दीजिए। ये लो बेटा। लो अम्मा पैसे। दीदी जरा 50 रसगुल्ले मुझे भी दे दीजिए और मुझे भी 2 रसगुल्ले के डिब्बे दे दीजिए, जल्दी निकलना है, जरा जल्दी कीजिएगा। अरे अभी कर देती हैं आप सबका, वैसे अनिका भाभी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? अरे क्या बताऊँ, भाई की लड़की हुई है ना, तो उसको ये देने जा रही हूँ। अच्छा भाभी, आपको और आपके भैया भाभी को बहुत बधाई, ये लीजिए आपके 2 रसगुल्ले के डिब्बे। बेटा ये तुम्हारे 50 रसगुल्ले 200 रुपए के हो गए। ये लीजिए आंटी जी, वैसे आंटी आपके रसगुल्ले बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बार बार यहाँ आती रहती हूँ, 1 एक्स्ट्रा मिलेगा क्या आंटी? शुक्रिया बेटा। हाँ हाँ जरूर, तुम तो हमारी पुरानी ग्राहक हो। बहू जरा 1 पीस दे दो इसे। ये सुनकर निर्मला की बहू दीक्षा उसे रसगुल्ले का 1 पीस उठाकर दे देती है। सास बहू के रसगुल्ले इस गांव में बहुत ज्यादा मशहूर थे, इतने की दुकान के खुलने से पहले ही रसगुल्ले के लिए लाइन लग जाती थी और ज्यादातर शादी और पार्टियों में सास बहू ही रसगुल्ले की स्पेशली ऑर्डर लिया करती थी। तभी विनोद काका उसकी दुकान पर आकर कहते हैं, घड़ी खम्मा माता जी, अरे मेरी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, इसलिए मुझे 15-20 किलो रसगुल्ला का ऑर्डर देना था आपको। ठीक है, हम वहीं आकर ताजे रसगुल्ले बना देंगे। ये कहकर विनोद चला जाता है। माँ जी कितने दिनों बाद हमारे पास पहला शादी का ऑर्डर आया है सर्दियों में। हाँ बहू वो तो है। ये कहते ही उन लोगों की दुकान पर और भी लोग आ जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके उनकी दुकान के सारे रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। वो देखती हैं कि रवि और टोनी मिलकर सब्जी काट रहे हैं। अरे अरे टोनी बेटा, ये तो क्या कर रहा है, और आप भी क्यों कोशिश कर रहे हैं, देखो आपका हाथ कितना कट रहा है। हाँ बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे, और टोनी तू भी अपने बाप के साथ लग गया काम करने, हम है ना। अरे मैं तो बस पापा की मदद कर रहा था। पर क्यों, मैं आकर खाना नहीं बना सकती क्या? अरे भगवान तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए सब्जी काटने की कोशिश कर रहा था और अपने हाथ को भी चलाना चाहता था, पता नहीं कब मेरा हाथ ठीक हो पाएगा। अब थोड़ी बहुत तो सब्जियां कट गई हैं, आप दोनों बाहर जाकर काम करते हो, दुकान को संभालते हो, फिर घर आकर खाना ही बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर आप दोनों का काम हल्का कर देते हैं। बेटा हम दोनों के लिए इतना सोचा तूने उसके लिए शुक्रिया, पर तेरी तबीयत का ख्याल भी तो हमको ही रखना है ना, इसलिए तू इन सब चक्करों में मत पड़, बस दवाई खा, अच्छा खाना खा और योगा कर, डॉक्टर ने बोला था तू हाथ चलाएगा तो ठीक हो जाएगा। माँ अभी वही तो करने की कोशिश कर रहा था मैं, पर देखो ठीक से चाकू भी पकड़ नहीं पा रहा था, पैर तो गए ही गए, हाथ भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए तो आप दोनों को मेरी वजह से काम करना पड़ रहा है, साथ में टोनी के स्कूल का भी खर्चा भी रहता है, मैं कुछ करने लायक नहीं बचा। बस रवि जी अब आगे कुछ मत कहिए, घर के प्रति जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही मेरी भी है, आप आराम से बैठना मैं खाना बनाती हूँ। यह बोलकर अपने पति को सहारा देकर खटिया पर लेटा देती है। कुछ देर बाद खाना बन जाता है, फिर सब एक साथ खाना खाते हैं। दीक्षा अपने पति को खाना खिलाती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद वो विनोद काका की बेटी की शादी में रसगुल्ले बना देती है। तभी विनोद आता है। अरे दीक्षा बेटा रसगुल्ले बन गए क्या? हाँ हाँ काका, बस आप ये रसगुल्ले बाहर ले जाइए, बाकी हम यहाँ से परात और सिलेंडर वगैरह हटाते हैं। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारे रसगुल्ले के 50,000। शुक्रिया अंकल। विनोद रसगुल्ले लेकर चला जाता है। निर्मला सिलेंडर की नोब ठीक से बंद नहीं करती है, इतने में पास में बीड़ी फूंक रहा आदमी बीड़ी फेंक देता है, जिससे वहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और उन सास बहू की मौत हो जाती है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल बनकर कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा, मेरे पोते की पढ़ाई कैसे होगी। माँ जी सब खत्म हो गया, उन दोनों का ख्याल अब कौन रखेगा। नहीं भगवान कुछ तो कीजिए, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है। तभी वो दोनों चुड़ैल वापस से इंसानी रूप में आ जाती हैं। दुनिया वालों के लिए वो मर चुकी थी, लेकिन अपने रवि और टोनी के लिए वो वापस इंसानी रूप में जाती हैं। तभी अकेले में चुड़ैल बहू कहती है, माँ जी अब तो हम रसगुल्ले बनाकर नहीं बेच सकते हैं, तो क्या करें? मेरे पास एक तरीका है, वो हम आंगन में लगे पेड़ को रसगुल्ले का पेड़ बना देंगे
और दूसरा इंसानी रूप धारण करके रसगुल्ले बेचेंगे और उन पैसों से अपने परिवार का पेट पाल लेंगे। अरे वाह माँ जी, आपका तो भूतिया दिमाग चलने लग गया वैसे ही। ये कहते ही दोनों अपनी शक्तियों से आंगन में लगे एक पेड़ को रसगुल्ले का पेड़ बना देती हैं, जिस पर चमकदार रसगुल्ले लटके हुए थे। सास बहू और रसगुल्ला को तोड़कर अपना दूसरा रूप धारण करके रसगुल्ले बेचने लगती हैं। आइए आइए रसगुल्ले खाइए, नरम नरम रसगुल्ले। अजी जरा मुझे 2 किलो रसगुल्ले दे दीजिए, अभी देती हूँ। सुनिए, मुझे 100 रसगुल्ले पैक कर दीजिए। ये लो आपके रसगुल्ले, ये रहे 100 रसगुल्ले, लीजिए। शुक्रिया आंटी। अरे जरा मुझे तो रसगुल्ले दीजिएगा। अनिका की बात सुनकर जानकी उसे रसगुल्ले देती है, तभी वो खाकर बोलती है, आहा आपके रसगुल्ले तो बहुत अच्छे हैं। इसमें किसी का जाना पहचाना स्वाद आ रहा है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाती थी वो सास बहू। अच्छा, बिल्कुल आप दोनों सास बहू की तरह ही उनकी भी जोड़ी थी। शुक्रिया। इस तरह रसगुल्ले खत्म होने पर सास बहू अपने रसगुल्ले के पेड़ से और रसगुल्ले तोड़ कर लाती है और दुकान पर रसगुल्ले बेचती है और बेचकर अपने घर चली जाती है। उन पैसों को देखकर वो कहती है, बेटा ये ले, तूने मुझसे स्कूल की फीस मांगी थी ना, अपने स्कूल में जमा कर देना। ठीक है माँ। और ये लीजिए आपकी नई दवाई, इसे खा लीजिए। तुम कितनी मेहनती हो दीक्षा, और मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सभी को दे। अरे आप अच्छे हैं, इसलिए आपको सब अच्छे ही लगते हैं। इस तरह वो दोनों चुड़ैल सास बहू अपना रूप बदलकर रसगुल्ले के पेड़ से रसगुल्ले तोड़कर रसगुल्ले बेचा करती थी, जिससे देखते ही देखते उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। और वक्त रहते दीक्षा ने अपने पति का अच्छे अस्पताल में इलाज कराया, जिससे उसका हाथ ठीक हो गया और पैर एक नकली लगवा दिया। वहीं टोनी भी अच्छे स्कूल में पढ़कर एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गया था, जिसके स्कूल में फर्स्ट ग्रेड आते थे। वक्त के साथ सास बहू इसी तरह रसगुल्ले बेचती गई और टोनी 15 साल का हो गया और रवि भी दुकान पर बैठकर रसगुल्ले बेचा करता था। तभी एक दिन कमरे में रवि अचानक से आता है कि उसे अपने माँ और अपनी पत्नी के रूप में 2 चुड़ैलें दिखाई देती हैं और वो घबरा कर कहता है, माँ ये सब क्या है, आप दोनों इस रूप में क्यों है? बेटा हमसे डर मत, क्या बताएं? ये क्या हुआ, कब हुआ, मुझे सब बताइए। मैं बताती हूँ। ये बोलकर दीक्षा उसे उस हादसे से लेकर अब तक की सारी कहानी बयां कर देती है और कहती है, रवि जी ये सब हमने आप दोनों के लिए ही किया था, क्योंकि आप ठीक नहीं थे और टोनी छोटा था, लेकिन अब आप दोनों खुद सब कुछ कर सकते हो और घर की आर्थिक स्थिति रसगुल्ले पेड़ से अच्छी है। रसगुल्ले का पेड़? हाँ, तो अब से रसगुल्ले पर पेड़ से ही रसगुल्ले बेचना। अपनी शक्तियों से हमने आंगन में ही उस पेड़ को उगाया है, और अपना ख्याल रखना, हम दोनों को अब जाना होगा। पर माँ दीक्षा, रवि उन्हें आवाज लगाकर रोने लगता है, पर दोनों उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद रवि रसगुल्ले पेड़ से रसगुल्ले बेचता था और अपने बेटे को खुद ही पा और अपने बेटे को। जौनपुर नामक एक गांव में एक चुड़ैल का साया था, जो उस गांव में हर वक्त मंडराता रहता था। गांव के लोग जानते नहीं थे कि उस गांव में एक चुड़ैल की आत्मा भटक रही है। उस औरत की बड़ी गंदी आदत थी कि वो अक्सर शादीशुदा मर्दों को ही परेशान किया करती थी। वो परेशान क्यों करती थी, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तभी लाल साड़ी में रात को उड़ते हुए वो इधर उधर भटक रही थी, तभी उसे किसी घर की खिड़की से आवाज आती है और वो देखने लगती है। अजी क्या है, आपको शर्म नहीं आती रत्ती भर भी? थोड़ा सा तो लिहाज करिए, मैं बच्चों को संभालती हूँ, आपसे इतना भी नहीं हो पाता कि घर के छोटे छोटे काम कर लें? अरे कुएं से पानी भरकर ही तो लाना था, वो भी आपसे नहीं हुआ। बस बहुत हुआ, देख रहा हूँ बहुत देर से तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं क्यों करूं घर के काम, तू औरत है और औरत को ही घर के सारे काम करने होते हैं, मैं क्यों हाथ लगाऊं? बच्चे तूने पैदा किए हैं ना, तू ही सब चीज देख, पानी भी खुद भर तू। बच्चे जितने मेरे हैं उतने ही तुम्हारे हैं, और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। दिख नहीं रहा था, मैं गोलू को खाना खिला रही थी, उसे छोड़कर जाती तो वो रोता।
बस लेक्चर देना आता है और कुछ नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतना सारा भाषण दिया वो भी बेमतलब। रुक रुक अभी बताता हूँ मैं। ये कहते ही अमन मटका उठाकर अपनी पत्नी के सर पर फोड़ने ही वाला था कि चुड़ैल आकर उसका हाथ रोक लेती है और उस मटके को ही उसके सर पर फोड़ देती है, जिसके बाद वो चिल्लाता है, अरे राम रे राम, अरे किसने मेरी टांट पर मटका फोड़ दिया रे, अरे छोड़ूंगा नहीं उसे। जरा पीछे मुड़कर देख ना मर्द कहीं के, औरत पर हाथ उठाकर अपना दबाव बनाना चाहता है, तो मर्दों की यही दिक्कत होती है। ये सुनते ही वो मुड़ता है तो अमन चौंक कर जमीन पर गिर जाता है। चुड़ैल, अरे बाप रे बाप, अरे हमारे घर में चुड़ैल, अरे कैसे आई रे? चुड़ैल, ये मैं क्या देख रही हूँ? चुड़ैल उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और बोलती है, सुन बे झुमरी तलैया के कीड़े, तुझे इतना तोड़ूंगी मार मार कर कि अपनी बीवी को दोबारा हाथ लगाने पर अफसोस करेगा। अगर मैंने देखा तूने इसकी एक भी बात नहीं मानी तो मैं तेरी जान ले लूंगी, इसलिए जो भी वो आज के बाद बोलेगी सारा काम चुपचाप कर, समझा? अरे हाँ मेरी बहन, मैं समझ गया हूँ और मैं हाथ जोड़कर तुझसे और अपनी बीवी से माफी मांग रहा हूँ। अरे मुझे छोड़ दो यार, और अब से अपनी बीवी की हर बात सुना करूँगा मैं। अगर तूने फिर से आलस दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे आलस पतियों से सख्त नफरत है। अरे क्या मैं अपनी बीवी के घर के सारे काम करूँगा? अरे भगवान के लिए मुझे बख्श दो भाई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपकी वजह से अब मेरे पति जिम्मेदार हो गए। कोई बात नहीं, पतियों को चमकाने का मेरे पास लाइसेंस है, अगर ये कोई भी हरकत करे तो मुझे याद कर लेना। अब जरा मैं अपने पति के पास जाती हूँ, उसे भी मुझे ठीक करना है। ये कहते ही वो उड़ते हुए अपने पति कुंदन के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो खेत के बीच में हाथ से कटारी लिए आड़े टेढ़े सोया हुआ मुंह खोलकर पड़ा हुआ था। तभी चुड़ैल उसे देखकर कहती है, देखो तो निगोड़ा कैसे घोड़े की तरह मुंह खोलकर सोया पड़ा है, एक काम करने को कहा था लेकिन उससे हुआ नहीं, अभी बताती हूँ इसे, तब जाकर इसकी आंखें खुलेंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जादू से अपने हाथ में ले आती है और जोर जोर से अपने पति को मारने लगती है। तभी चिल्लाकर वो उठ जाता है और कहता है, अरे राम, अरे अरे मैं मर गया रे, अरे कौन मार रहा है भाई, अरे कौन मार रहा है हमको? खजूर से अटके मेरी किस्मत में लटके, संतरे के छिलके के बदबूदार बीच तेरी बीवी ने तुझे मार कर जगाया है, ऐसे कैसे तू घोड़े की तरह सो रहा है? कहा था ना तुझे कि इस खेत की जंगली घासों को हटा देना, फिर भी तुझसे वो नहीं हुआ। अप्रिय अर्धांगिनी, अरे भगवान हमको माफ कर दीजिए जी, अरे मुझसे गलती हो गई, मेरी आँख लग गई थी जी, अरे अभी इस खेत को साफ कर देता हूँ। नीम के ठहरने की छाल आलस तो तेरे में कूट कूट के भरा है, लेकिन मैंने भी कुत्ते की दुम को सीधी नहीं कर दी तो मैं भी चुड़ैल नहीं। लगता है ये मेरी जान लेकर ही रहेगी, चुपचाप काम पर लग जाता हूँ, वरना हंटर हंटर मारेगी। सोच के रहा है चपरासी के शक्ल के, आज रात में ये जंगली घास यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना कल तुझसे ज्यादा मेहनत कराऊंगी, आलसी कहीं के। जा रहा हूँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही कुंदन रो रो कर जंगल को खेत से हटाने लगता है। वहीं चुड़ैल अपने बच्चों को प्यार से खाना खिला रही थी, उसके बच्चे बिना डरे बड़े आराम से उसके साथ खाना खा रहे थे। माँ और भूख लगी है, खाना दो ना, पापा तो कुछ भी नहीं देते हैं। अच्छा हुआ अब वापस आ गई, वरना हम दोनों का क्या होता। हाँ माँ बताएं, पापा हमें भी मारते थे अपने मजे के लिए।
हमसे खाना मांगते थे और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। अच्छा हुआ जो आप पापा को सबक सिखा रही हो। वो तो अच्छा हुआ बच्चों कि सही वक्त पर मैं लौट आई, वरना तुम्हारा आलसी निकम्मा बाप क्या क्या करता। आखिर चुड़ैल कौन से वक्त की बात कर रही थी, ये जानने के लिए कहानी में हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां चुड़ैल शिखा अपने दो बच्चे और अपने आलसी नशेड़ी पति कुंदन के साथ रहती थी। कुंदन बिल्कुल भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता नहीं था, न कोई काम करता था, बस सट्टेबाजी लगाकर पैसे जीतकर नशे में धुत रहा करता था और बेचारी पत्नी किसान बनकर अपने पिता के दिए खेत को सींचती रहती थी। तभी वो हल से खेत को जोतते हुए कहती है, मेरा पति बाके में किसी काम का नहीं है, वो तो शुक्र है पिताजी का जिन्होंने मेरे और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए इस खेत को दे दिया, जिससे मैं सब्जियां बेचकर अपना घर चलाती हूँ। चलो ये तो हो गया, बीज डालकर बस पानी और देना है। खेत का काम निपटा कर वो अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। बच्चों ये खाना खा लो, फिर पढ़ाई कर लेना। जी माँ। तभी उसका पति आकर बच्चों से पैसे मांगता है। ए, चल पैसे निकाल वरना खाना नहीं खाने दूंगा, चल पैसे निकाल। पापा हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारी थाली वापस करिए। अजी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों का खाना वापस करिए और आप फिर से पी कर आए हैं, शर्म नहीं आती क्या आपको? घर में पड़े रहते हैं, ना तो घर का एक काम करते हैं, ऊपर से बच्चों को भी चैन से रहने नहीं देते हैं। बीच में मत बोल, मैंने तुझसे बात नहीं करी, तू बस पैसे दे रहे मेरे को पैसे। कोई पैसे वैसे नहीं है, थोड़ा मेरा हाथ बटा लो, अभी खेत जोत कर आई हूँ, जरा पानी छिड़क दो पूरे खेत में। मैं कोई काम नहीं करूँगा, तुझे जो करना है कर ले, चल जा यहाँ से। लगता है मुझे ही जाना होगा। ये बोलकर वो दोबारा खेत जाती है और खेत में काम करने लगती है। तभी उसका पति कुंदन फिर से उसके पास आकर पैसे मांगने लगता है और वो बोलती है, ए, चल दोबारा नहीं बोलूंगा, ये पैसे निकाल कर दे दे वरना मेरे को गुस्सा आ जाएगा, चल पैसा निकाल। इतने बड़े अपने बाप के दिए हुए खेत से ऐसा पैसा तो लाती होगी ना, क्यों? आपकी फालतू हरकतों के लिए मुझ पर कोई पैसा नहीं है, जाइए। पैसे चाहिए तो अपने आलस को दूर करके पहले खेत में मेरे साथ मदद कीजिए, फिर पैसे दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ऐसा कहा? कुंदन ऐसा बोलकर गुस्से से एक चाटा मारता है कि शिखा उस हल पर गिरती है, जिससे हल उसके पेट में घुस जाता है और वो मर जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। वहीं नशे में कुंदन को अपनी मरी हुई बीवी तक का एहसास नहीं होता, वो यूं ही बच्चों को मारता और परेशान करता रहता है। तभी एक दिन वो वापस लौट आई और हंटर से अपने पति को बहुत मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? एक तो खुद काम नहीं करता, ऊपर से मेरे बच्चों के सामने मर्द बनता है, आलसी, एक खेत को नहीं संभाल पाया तू। आ, आ, अरे चुड़ैल, चुड़ैल बीवी, अरे तुम वापस कैसे आ गई हो? तुझे सबक सिखाने और तेरे आलस को दूर करने के लिए आना था, चल हंटर मारकर तेरी जान ले लूं, उससे पहले खेत में जा और आगे का काम निपटा। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे मेरी माँ, मैं जाता हूँ। उससे पहले तेरा नशा तो उतारूं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर तालाब में बार बार डुबोकर उसका नशा उतारती है। वक्त बीतता है, इस तरह चुड़ैल उसे डरा कर खेत में काम करवाती है, उसे बाजार भेजती है, जिससे पैसे लाकर वो अपने बच्चों का पेट पालता है। बच्चों तुम खाना खाओ और जरा उस आलसी को देख कर आती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल खेत में अपने पति के पास जाती है और कहती है, हुआ सारा काम या मैं बताऊं? हाँ हो गया हो गया। बहुत बढ़िया। इस तरह चुड़ैल मरने के बाद भी अपने पति का पीछा नहीं छोड़ती और इससे काम करवा कर उसका सारा आलस छुड़वा देती है। साथ ही वो गांव के आलसी पतियों को भी लाइन पर लाया करती थी।